नौजवान बच्चों, बड़े बुजुर्गों, आज की जो बाइक रैली है, ये हमने फैसला किया था कि जो 370 धारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने मिलकर समाप्त करी है, उसका हम धन्यवाद करने के लिए यात्रा निकालेंगे। और 370 धारा 35A की धारा से ये साबित हो गया कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी का जो 56 इंच का सीना है वो किसी से कम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री ने जो 100 दिन में करके दिखा दिया वो 70 साल में किसी भी सरकार ने नहीं करा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, चाहे वो नीचे की सरकार आई, चाहे किसी और की सरकार आई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। और फैसले की वजह से आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस चीज का, क्योंकि हमारे बच्चे फौज में बहुत ज्यादा है और जब भी कोई शहादत होती है उसमें एक ने एक बच्चा हमारा हरियाणा कहता है और कश्मीर में इस तरह की शहादत होती रही। आज हम कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। और इसी का जश्न मनाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए ये 370 धारा का हमने धन्यवादी दौरा किया था, लेकिन इसके पीछे एक और भी मकसद था ताकि लोगों में जोश भरे, क्योंकि आज के बाद 10 दिन का समय और बचा है। और मेरे पास दो तीन तरह की बातें आई थी कि जब आप एक खड़ा हो कर्सिंधु से, मेरे पे एक मैसेज आया था कि जब आप कर्सिंधु में एजेंट थोड़ा मजबूत बनाना वरना तो बोगस पोलिंग हो जाती है। तो जो भी एजेंट बने उसमें इतना दमखम होना चाहिए कि वो अगर तुम्हारी वोट को गलत डालने की कोशिश करे तो उसका हाथ भी दम पकड़ सको, शिकायत भी कर सको और जो जीतने का मौका कर सको, क्योंकि गलत पोलिंग वोटों से आने थे और 621 वोट को ज्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन मैं उस टाइम आ गया था प्रकाश चौटाला तो यहाँ से वोट ले गया जिसने कुछ करा भी नहीं, और ये तो मंत्री था उस समय जब इलेक्शन आ रहा। और इन 5 सालों में जो पिछले 5 साल आपके निकले हैं उसमें आप हिसाब ले लो चौटाला साहब कि हमारे 5 साल आपने खराब कर दिए, आपने क्या करा, 10 साल हमारे कांग्रेस ने खराब कर दिए, हमारे कोई काम ही नहीं होने दिया। और आज इन 5 साल में जो हमारे काम हुए हैं, चाहे हमारे स्कूल अपग्रेड हुए हो, चाहे हमारे 33 केन के स्टेशन बने हो, चाहे हमारा बड़ौदे का रेलवे स्टेशन बना हो, चाहे हमारी मंडी बनी हो, चाहे हमारा ताल बने हो, चाहे पीएससी सीएससी बने हो, और हर सड़क से जोड़ दिया गया, गलियां पक्की हो गई, ये सारे काम है ये इन्हीं 5 साल में है। और ये काम ना रुके, इनकी गति और तेज हो, और इसीलिए जो 21 तारीख का जो चुनाव है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक दुष्यंत की बात है, मैं तो कल जब घर पहुंची टीवी ऑन करा मैंने, टीवी में एक आदमी ओम प्रकाश चौटाला जी का इंटरव्यू लेने लग रहा था, तो वो ये कहने लग रहा था कि दुष्यंत ने तो मैं दादा ही नहीं लगता, उसके लिए तो दादा नारनौंद का गौतम है। और आपने भी देखा कि वो गौतम जी को दादा कह के बोलता, ठीक है हमारे पंडितों में एक रिवाज है, लेकिन दादा ने खास ये बात कही कि उसके लिए आज मैं दादा नहीं हूँ। और ये वही दादा है जिसने राजनीति को सिखाया। और उसके बाद जब उसे पूछा कि 90 सीटों में चुनाव में क्या रहेगा, कहने लगे मायावती ने तो समर्थन वापस ले लिया ना, तो उसने भी उसने तो 40 सीट दे रखी थी। जब टिकटों की बांटने की बात आई उसके पास कैंडिडेट नहीं थे, जिसने टिकट कांग्रेस की ना मिला उसने टिकट पकड़ा दे, जिसने बीजेपी की ना मिला उसने टिकट पकड़ा दे, ये तो चल रहे कारतूस है जिनको उसने टिकट दे रखी है और ये खुद आए हैं तो वहां कचा लिया कारतूस, ये तीसरी बार इसको फुस कर दे फुस। और एक और बात की चटा साहब ने कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं लेकिन मैं बात याद रखना, मैं तो जेल में जान लग रहा हूँ अभी, कुछ घंटे बाद उसके कल पैरोल भी खत्म हो गया, वो जेल में वापस चला गया। और उन्होंने जाते जाते कहा कि जब चुनाव का नतीजा आएगा तो मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ लेकिन तुम देख लेना इस इनकी जेजेपी की एक भी सीट नहीं आती। और ये बात कहकर उन्होंने हंसते गए कहा कि तुम देख लेना तू भी यही है मैं भी यही हूँ। तो यानी जिस पार्टी का यानी सबसे बड़ा आदमी उस जिस पार्टी के लिए उसने दादा को दादा नहीं समझा और उसके खिलाफ आज साजिश रच के वो हमारे बीच में आया है। और ये साजिश भी 10 महीने पहले की बात है, जब पिछले साल गोहाना में जब रैली थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देवीलाल के नाम की रैली करी थी, तो ये दिग्विजय है ना, दिग्विजय इससे एक साजिश रची, ये इनसो का प्रधान है जिसमें जवान जवान बदबत
कॉलेज के, ये सोनीपत के इसने बच्चों से बात करी और उनको ये कहा कि मैं इशारा करूंगा, हाथ ऊपर करूंगा तो उसका मतलब यो है, हाथ तल करूंगा तो उसका मतलब यो है। इसका किसने रिकॉर्डिंग कर ली? आपने पता आजकल तो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी हो जाए है, वह रिकॉर्डिंग चौटाला साहब के पास जुलूस से पहले पहुंच गई और उन बच्चों को दे दी कितनी शराब। उन्होंने इतनी शराब पी ली कि जब अगले दिन जलसा शुरू होया वो उन बालका ने इतना रोला मचाया कि चौटाला साहब के बार बार कहने के बाद भी वो लोग बंद नहीं हो शोर मचाने से। तब चौटाला साहब को ये लगने लगा कि ये दोनों बच्चे इस घर का नाश तो करेंगे करेंगे, ये सबका नाश करेंगे। तो जो जिसने अपना घर नहीं संभाला, जिसने अपना दादा नहीं संभाला, दादी तो बेचारी मरे गई नहीं कहती कहती, और किसी घटिया बच्चे किसी को ना दे। और चौटाला साहब को अगर आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ आधी रात को 12 बजे पुलिस उनको लेने आ गई और तब भी चौटाला साहब ने कहा था कि ये गद्दार है। अब गद्दार का मतलब समझो गद्दार किसने कहा करें, उन्होंने दुष्यंत को गद्दार का, दिग्विजय को गद्दार का और उनको जेल में ले जाना पड़ा क्योंकि आम आदमी पार्टी से समझौता था और उन्होंने मिलकर साजिश रची कि इनको जेल में भेज दो ना तो नुकसान कर सके है और नुकसान फिर भी होया। लोग हमारे बीच में आते हैं बात करें, हम बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे, अपने घर का तो कर ले पहले तू। तो ऐसे लोग हमारे बीच में अगर वोट मांगने आते हैं तो ये आप लोगों को आपकी समझ की बात है कि ऐसे लोगों को अब की बार ऐसा सबक सिखा दो, एक उनकी इसी गांठ बांध दो कि दोबारा मुंह ना करें इस तरफ। मैं तो यही बात आपसे कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री हिसार में आएंगे और 13 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री का दौरा है उच्चारण में और हमने तो डिमांड लिखी थी कि हमारे को कौन कौन चाहिए, उसमें हमने सनी देओल का भी नाम लिखा था, जवान जवान बालक का राजीव जगह देख के तो हो सकता है उसका प्रोग्राम भी बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है 13 तारीख को और 14 तारीख को अमित शाह का प्रोग्राम है, उन्होंने नारनौंद में कर रखा है और उसमें भी हमारे उच्चारण बरवाला नारनौंद चार हल्के उसमें आते हैं तो वो भी हमने हाँ जी हेलो माइक वाले इसकी बात करते हैं जो बिना